डिरेल हुए रिश्तों को वापस पटरी पर लाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान पाकिस्तान पहुंच गए। अपने पाकिस्तानी समकक्ष जलील अब्बास जिलानी के निमंत्रण पर इस्लामाबाद पहुंचे हुसैन अमीर का नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के लिए पाकिस्तान के अतिरिक्त विदेश सचिव रहीम हयात कुरैशी ने स्वागत किया। यहां पर उनका स्वागत करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री मौजूद नहीं थे। हालांकि ये दौरा पाकिस्तानी विदेश मंत्री के आग्रह के बाद ही हुआ है। अब्दुल्लाहियान ने पाक विदेश मंत्री जिलानी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर से मुलाकात की। अब्दुल्लाहियान संबंधों को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तानी समकक्ष जिलानी से बहुत देर तक बात करते रहे। वहीं लोन के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तानी विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी के निमंत्रण पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान विदेश मंत्री जिलानी के साथ गहन बातचीत और प्रधानमंत्री से उनके मिलने का शेड्यूल था। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या था कि ये तब हुआ है जब पाकिस्तान और ईरान के बीच रिश्तों में खटास आ गई है, यानी जैसे को तैसा हमलों के बाद संबंधों को ठीक करने के लिए दोनों देशों की मुलाकात को ऐसे तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान द्वारा एक दूसरे पर की गई एयर स्ट्राइक के कुछ दिन के बाद ही अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान से सटे ईरान के दक्षिण पूर्वी सीमा क्षेत्र में 9 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की पुष्टि ईरान में पाकिस्तान के राजदूत ने की और कहा जा रहा था कि तमाम मारे जाने वाले लोग पाकिस्तानी थे। वहीं ईरानी मीडिया का कहना है कि पुलिस उन 3 बंदूकधारियों की तलाश कर रही है जो गोलीबारी के बाद मौके से फरार हो गए। और इधर ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं और ईरान में पाकिस्तानियों को अज्ञात बंदूकधारी दिन दहाड़े ठोक रहे हैं। 16 जनवरी को तेहरान ने दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे और कहा था कि उसके निशाने पर जैश अल अदन नामक संगठन के ठिकाने थे, जिसके आतंकवादी पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद क्या था, पाकिस्तान ने तुरंत कार्रवाई की। 18 जनवरी को पाकिस्तान ने जवाबी हमला करते हुए ईरान के अंदर अटैक किया और इसके बाद बयान जारी करके कह दिया कि हमने भी आतंकियों को मारा है। कहा गया कि मर्ग बर सरबचार नाम का अभियान चलाकर आतंकी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को निशाना बनाया गया, लेकिन मतलब साफ था जैसे को तैसा। और अब अमेरिका ने ईरान को धमकी दे दी है और हमले के डर के बीच ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को ठीक करके अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।